हेलो बॉडी, कैसे आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे विंग वॉल का लेआउट कैसे करते हैं। ऑन द पेपर मैं अभी समझा रहा हूं, उसके बाद साइड पे भी हम बताएंगे। तो ये हमारा ड्राइंग है जिसमें देखिए ये विंग वॉल बना हुआ है। ये हमारा बॉक्स कलवर्ट है। बॉक्स कलवर्ट का ये हमारा विंग वॉल है और इस विंग वॉल का लेआउट हम करेंगे। ओके, तो ये हमारा विंग वॉल है, तो हम आपको देखिए समझा रहे हैं। यहाँ से जो इसका सेक्शन, सबसे पहले तो आपको इसका सेक्शन देखना है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है 6 मीटर 680 और ये 20 mm का एक्सपेंशन जॉइंट। तो 20 + 6 मीटर 680 प्लस और ये 250 थिकनेस का वाल है। यहाँ पे दिख रही है 250 लिख रहा है, ठीक है। ये वाला दिखेगा यहाँ पे, ये 250 थिकनेस लिख रहा है, तो ये प्लस मैं 250 कर दे रहा हूँ, तो इसका आउटर हो गया 6 मीटर 950। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा ऑलरेडी बना के रखा हूँ कि ये इसके फेस से हमको इस पर एक पॉइंट देना है 6 मीटर 950 का। यहाँ से आप लाइन डोरी के थ्रू आपको यहाँ पे 6 मीटर 950 का ले लेना है। सेम अदर वाल पे ये हमारा वाल है, ब्रिज का वाल है, जो बॉक्स कलवर्ट है उसका वाल है, ये हमारा विंग वाल है। उस पर मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये 6 मीटर 950 हो गया, ये भी 6 मीटर 950 हो गया, ठीक है। हमने दो पॉइंट, जैसे ही आपका ये फिक्स हो जाएगा, ये दो पॉइंट फिक्स हो गया, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो ये ब्रिज का जो इंटरनल क्लियर स्पान है 3 मीटर है, तो ये भी हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट में 3 मीटर आना चाहिए। ये चीज़ आपको क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 मीटर 950 फिर मेजर करना है। तो आपने यहाँ पे 6 मीटर 950 फिर से मेजर कर लिया, फिर सेम उसी तरह से 6 मीटर 950 यहाँ मेजर कर लेना है। 6 मीटर 950 का मान चलिए मेरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अब मैं ड्राइंग में देखता हूँ, कैसे ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग में सबसे फर्स्ट चीज़ आपको देखना है कि ये जो वाल का फेस है, वाल के फेस से 1850 जा रहा है, तो ये मेरा वाल का फेस है, ये मेरा वाल का फेस है, तो वाल के फेस से मुझे 1850 आना है। 1850 पे एक सेंटर मार्क कर देना है, ओके, एक पॉइंट मार्क कर देना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है 350 और 350, तो यहाँ से 300 और 350 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 300 ये आ गया 3200। तो हमको सीधा इस पॉइंट से हमको यहाँ पे 3200 आ जाना है। एक ये पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। जब ये दो पॉइंट मिल गया, तो अब हमको ये पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट चाहिए। तो आपको ये लाइन क्या कहता है कि हमने ये आउटर लाइन पे आ गया है, ये फेस लाइन पे आ गया है, तो फेस लाइन से हमको सीधा आना है। यहाँ से ये 1.5 मीटर जाता है, ये 1.5 मीटर, तो मैं फिर यहाँ से ये 1.5 मीटर फिर पीछे आ गया, यानी कि 1500। मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ से मैं 1500 इधर आ गया। सेम होता है, ये दो साइड का इधर होगा, तो सेम आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो हम 1500 इधर आ गए। फिर उसके बाद अब देखिए मैं क्या बोला था, इस फेस को आपको इस फेस से मिला देना है, तो मैं इस फेस को इस फेस से मिला देता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं इस पर बना के दिखा रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से फिर 1850 इधर आएगा, ये 1850 आ गया, और फिर यहाँ से ये 3200 आएगा, सेम इसके जैसा, फिर ये हमारा 3200 आ गया, ठीक है। ये दो पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर लाइन डालना है, जस्ट ये 90 डिग्री एंगल का कोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम, ये हमारा ड्राइंग में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए 1700 है, तो ये हमारा 1700 फिक्स हो गया, ये हमारा 1700 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, जब हम आप इसको ऑटो कट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ये वाला पॉइंट आपको 2400 मिलता है और ये वाला पॉइंट जो है ये 700 मिलता है, ठीक है। जब ये चीज़ आपको मिल गया, जब आपको ये चीज़ें मिल गया, ये दो चीज़ें मिल गया, ये आपका एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखना है कि ये जो तीन लाइन जो होते हैं, ये एक दूसरे के सीधे में दिखते हैं, ठीक है। आपको फिर यहाँ से एक ये लाइन मार्क कर देना है इस पॉइंट पे, 1850 वाले पॉइंट पे, और यहाँ से एक ये लाइन मार्क कर देना है 3200 पे।
तो ये आपका ये रिंग वाला हो गया। फिर उसके बाद ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था ना 350, मैं आपको ये चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ। अब देखिए ड्राइंग का, अब देखिए यहाँ पे मैं एक, ये देखिए ये वाल है, ये वाल है, तो ये डॉटेड लाइन है और ये दोनों कंटिन्यू लाइन है। तो ड्राइंग में डॉट लाइन, ये देखिए मैं इस पर समझा रहा हूँ, डॉट लाइन और यहाँ पे ये कंटिन्यू लाइन है और ये भी कंटिन्यू लाइन है। तो इसका मतलब समझिए, ये डॉट लाइन से यहाँ का डिस्टेंस 350 दिखा रहा है, 350, और यहाँ से यहाँ का 300 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ें देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम जब विंग वॉल बनाते हैं, विंग वॉल कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू दिखा रहा है, इसका ये टॉप व्यू दिखा रहा है। इधर से आप देखेंगे तो आपको ये दो ही लाइन दिखेगा कंटिन्यू, जो कि तीसरा लाइन आपका ये है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डॉट लाइन दे देता है जो कि ये दिखता नहीं है, ये ड्राइंग में फिर दिखेगा ना, इसलिए ये डॉट लाइन है। तो उसके बाद ये डॉट लाइन का मीनिंग यही है कि ये मिट्टी के अंदर आता है और जो कंटिन्यू लाइन होता है वो बाहर में स्ट्रक्चर में दिखता है। तो विंग वॉल का लेआउट आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स करेंगे, हम क्लियर कर देंगे। बाकी नॉर्मली ब्रिज का विंग वॉल कोऑर्डिनेट से करना है तो आपको TS लगेगा, बट मैनुअली करना है तो ये राइट मेथड है, आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।